नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पर, जहां पर एक आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, उसमें आखिर क्या बड़ा फैसला आज इस प्रेस वार्ता में लिया जाएगा और आखिर किसे दोषी ठहराया गया, आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से अपना बचाव करने की बहुत कोशिश की, मगर सच हमेशा सामने आकर रहता है। और वो एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बाहर आया, उसके बाद अन्य पत्रकारों ने भी उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी, और कल से और आज तक ये लगभग साफ हो गया है कि जो कुछ पंजाब में किया गया वो सब नियोजित था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पर अपना वक्तव्य रखा है, और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगे, बातों को आपके सामने रखेंगे। साथ में दिल्ली भाजपा का चिंतन भी इस पर आपके सामने। धन्यवाद रवि जी, सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। यहाँ डायस पर उपस्थित राजन तिवारी जी, हरीश जी और प्रवीण शंकर जी, 5 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई पंजाब के अंदर, और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की परिस्थितियों से अपना वक्तव्य रखा कि सुरक्षा चूक नियोजित थी, और 11 जनवरी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल ने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन में, अपने इन्वेस्टिगेशन में वो सभी बातों का खुलासा किया है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ 5 जनवरी को पंजाब के अंदर हुआ, और पंजाब की पुलिस उसमें मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, प्रधानमंत्री जी के काफिले वाली सड़क पर प्रदर्शनकारी और बहुत से रेडिकल ग्रुप्स अपनी मनमानी करते रहे, और पंजाब की कांग्रेस सरकार की पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश कांग्रेस के चन्नी सरकार द्वारा दिए गए थे। 11 जनवरी कल जो हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, और उससे कई सवाल आज कांग्रेस के ऊपर खड़े होते हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि ये जो सुरक्षा चूक हुई है ये कोई संयोग नहीं था, एक साजिशन खूनी प्रयोग था, ये अचानक नहीं हुआ बल्कि आयोजित था, ये कुदरती नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी, और ये त्वरित यानी स्पॉन्टेनियस घटित नहीं हुआ, ये स्पॉन्सर्ड था। इस सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन से ये जाहिर होता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन कहता है कि SHO वहां के जो SHO थे, DSP CID थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने वहां की परिस्थितियों के बारे में, PM साहब के रूट के बारे में, जो रुकावटें होने वाली थी, जो प्रदर्शन होने वाले थे, उसकी जानकारी हमने आला पुलिस अधिकारियों को पहले से ही दे दी थी। यानी आला पुलिस अधिकारी कौन थे? आला पुलिस अधिकारी SSP थे, उससे ऊपर के अधिकारी थे, DIG थे, पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को
समय रहते उन्होंने जानकारी दी, लेकिन एसएसपी और ऊपर के अधिकारियों ने उसको नजरअंदाज क्यों किया? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल उठता है और इससे साफ जाहिर होता है कि ये पंजाब सरकार की लापरवाही नहीं थी, ये पंजाब सरकार की मिलीभगत थी उनके साथ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी के रूट की सुरक्षा की अनदेखी की गई, क्योंकि स्थानीय पुलिस का कहना यह भी है कि जो सीआईडी है, लोकल इंटेलिजेंस है, उन्होंने कहा कि हमने 2, 3, 4 जनवरी को इस तरह की सूचनाएं उनको दी थी पंजाब सरकार को, लेकिन पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस पर आलती पालती मार कर बैठी रही, उस पर कोई एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया, उस पर चिंता नहीं करने की बात कही। और पंजाब पुलिस साफ बता रही है कि हमें ऊपर से यानी पंजाब सरकार से कुछ भी नहीं करने के निर्देश थे। आप बताइए एक ऐसा निर्देश है कि देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर इतनी बड़ी चूक, और इस सब एक्सपोज से जो स्टिंग ऑपरेशन जो चैनल ने किया उससे साफ जाहिर होता है, इससे साफ पंजाब की कांग्रेस सरकार एक्सपोज होती है कि वो मिलीभगत करके प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालकर उनकी जान के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते थे। आपने देखा भी होगा कई चैनल्स दिखा रहे थे कि किस तरह से जिस समय प्रधानमंत्री जी का काफिला उस फ्लाईओवर पर, उस पुल पर रुका हुआ था, उस समय बजाय प्रदर्शनकारियों को हटाने के, बजाय उन पर सख्त कार्रवाई करने के, पंजाब पुलिस के जवान और पंजाब पुलिस के अधिकारी उन प्रदर्शनकारियों के साथ या तो चाय पी रहे थे या गप्पे मार रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे चैनल्स बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हुआ है और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन और भी बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा बहुत सारी डिटेल के अंदर जानकारी ली गई, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की दौरे को लेकर जमीनी हकीकत जुटाने के लिए जो सीआईडी के डीएसपी हैं सुखदेव सिंह, उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने पूरी एक एक पल जमीनी हकीकत अपने आला अधिकारी को वक्त रहते बताई, और 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और उनकी जो होने वाली रैली है उसको असफल बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर पंजाब की खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ आ सकती थी, और इसलिए उसमें वहां जाने के लिए प्रधानमंत्री के रूट में कोई सुरक्षा रूट में कोई अवरोध ना आए, इसलिए वैकल्पिक रूट की तैयारी रखी जाए, ये उन्होंने समय रहते बता दिया। और समय रहते ये भी बताया कि प्रदर्शनकारी और धरने पर जो लोग जो रैली में जो हस्तक्षेप करना चाहते, रैली को बाधित करना चाहते, ऐसे प्रदर्शनकारियों को पहले से रोका जाए, ये रिपोर्ट उन्होंने 4 तारीख को पहले ही पंजाब सरकार को भेजी थी। बावजूद इसके वहां पर खालिस्तानी गुट के लोग भी, पन्नू जैसे लोग वहां सक्रिय थे, जिन्होंने बहुत पहले वहां पर प्रधानमंत्री जी की रैली नहीं हो पाई इसकी चेतावनी भी दी थी।
और इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी की विशेष त्वचा होती है, उन्होंने पंजाब की पुलिस को साफ और स्पष्ट बताया था कि प्रधानमंत्री जी के रूट जहां होता है वो पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए, वहां पर कोई मार्केट, कोई बाजार, कोई भीड़ इत्यादि नहीं रह सकती है, इसलिए पहले से ही बंद किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहां पर फ्लाईओवर के नीचे अवैध शराब की दुकानें खुली थी। पीएम के संभावित रास्ते को पहले से सील कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो शराब की दुकानें खुली रही। प्रधानमंत्री जी का काफिला उस फ्लाईओवर पर 18 मिनट तक रुका रहा और उस दिन जो किसान मोर्चे के दो लोगों ने गांव में आकर गांव वालों को भड़काया था और आज तक की टीम को भी बताया था कि 5 जनवरी को सुरक्षा चूक के समय मौजूद था, जहां फ्लाईओवर के नीचे दुकानें खुली थी। इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की सूचनाएं आने के बावजूद पंजाब की सरकार क्या कर रही थी? एक सवाल है, पंजाब की कांग्रेस सरकार आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री जी का रूट किसी प्रदेश में होता है तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस वो प्रधानमंत्री जी की अगवानी के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी की अगवानी के लिए इन तीनों में से कोई भी वहां उपस्थित नहीं था और एक ही समय में तीनों का वहां से अनुपस्थित होना, गायब होना ही अत्यंत गंभीर प्रश्नों को जन्म देता है कि ऐसा क्यों हुआ। और उड़ान के लिए अनुपयुक्त समय मौसम होने के कारण प्रधानमंत्री को सड़क यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को कैसे पता लगा कि प्रधानमंत्री जी किस रास्ते से जा रहे हैं या किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे? और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारियों का इतने कम समय में वहां इकट्ठा होना और उस रास्ते को जाम कर देना, ये अपने आप में गंभीर और चिंताजनक सवाल है। इसी तरह से जहां पर प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका हुआ था वहां से 10 किलोमीटर की पाकिस्तान की सीमा थी, पाकिस्तानी तोपखाने की रेंज थी और वो किसी भी स्नाइपर की जद में भी थे, तो बड़ा गंभीर मामला कांग्रेस की, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है। और उस पर जिस तरह से सीएम, वहां के सीएम चन्नी जी की अजीबोगरीब हरकतें भी संदेह के घेरे में खड़ी करती हैं। सबसे पहले चन्नी साहब ने प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री जी की अगवानी नहीं की और बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो कोविड पॉजिटिव हो गया था। ऐसा था तो सीएम को कम से कम फोन पर तो उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन वो फोन पर भी नहीं आए। काफी देर तक उनसे फोन कॉल्स के जरिए संपर्क किया गया और फिर उसी दिन चन्नी साहब बिना मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भारत के शीर्ष कार्यकारी नेतृत्व से जुड़े इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस के एक पदाधिकारी को ब्रीफिंग दे रहे थे। पंजाब के सीएम और उनकी पार्टी सभी कह रहे थे सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से 11 जनवरी को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े किए थे, 11 जनवरी कल जिस तरह से एक चैनल ने इन्वेस्टिगेशन किया और उससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की मंशा क्या थी। और एक प्रश्न और है कि जब कुछ नहीं हुआ जो सीएम चन्नी साहब कह रहे हैं,
तो डीजीपी और फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया? सवाल उठता है। कुछ न्यूज चैनल ने दिखाया कि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें केवल सेक्शन 283 लगाया गया, जिसमें महज 200 रुपए का पेनल्टी है, वह भी अज्ञात लोगों के खिलाफ। मतलब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का जुर्माना महज 200 रुपए है, ये कांग्रेस की हकीकत को बयां करता है। और कुल मिलाकर इन सब जो कांग्रेस सरकार ने मिली भगत करके किया, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व पुलिस और सुरक्षा मामलों के से जुड़े पूर्व जानकार अधिकारी ने स्पष्ट बताया कि ब्लू बुक और वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से यह चूक हम साजिश मानते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य की पुलिस के राज्य की पुलिस की तरफ से थी। पंजाब एक तरफ तो कांग्रेस की सोनिया जी चिंता जाहिर करती है, दूसरी तरफ इन्हीं के नेता, कांग्रेस के नेता सिद्धू इसे ड्रामा कहते हैं, हरीश रावत कहते हैं बम तो नहीं फूटा, बघेल जी कहते हैं पत्थरबाजी तो नहीं हुई, श्रीनिवास कहते हैं हाउस द जोश, नाना पटोले घटनाक्रम को जायज ठहराते हैं, चन्नी जी अब तक नहीं मान रहे कि कोई खतरा था। ये दोहरापन, ये ड्यूअल कैरेक्टर, कांग्रेस का असली उद्देश्य था क्या? और वास्तव में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राष्ट्रनीति पर राजनीति करना कांग्रेस का डीएनए बन गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी से घृणा करते समय कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के पद के संविधान, सेना, सुरक्षा और राष्ट्रहित से ही घृणा करने लगी। इससे पहले भी पुलवामा पर सियासत कर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करना, बालाकोट पर सबूत मांगना और बार बार पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगंडा के साथ सुर में सुर मिलाना, केवल और केवल एक व्यक्ति से नफरत करते करते ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। पर आज ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खूनी खिलवाड़ और साजिश के तार राजनीतिक रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जाकर जुड़ते हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है, जहां तक कांग्रेस की बात है, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चुनाव वहां लड़ रहे हैं, प्रमुख भूमिका में है, 5 तारीख की सुरक्षा चूक पर उनकी दुर्भाग्यपूर्ण चुप्पी आश्चर्यजनक है और संदेह के घेरे में है। एक बार निंदा करना ना करना एक बार भी, ये साफ दर्शाता है आखिर कांग्रेस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी इस पूरी साजिश को जो कांग्रेस ने की है, जो कांग्रेस की पंजाब सरकार के द्वारा की गई है कांग्रेस नेताओं के इशारे पर, और इस पर केजरीवाल का चुप रहना भी अपने आप में एक संदेह खड़ा करता है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने 5 जनवरी को खड़े किए थे, वो इस स्टिंग ऑपरेशन से साफ जाहिर होता है कि पंजाब की सरकार ने ये सब जो किया है वो कोई सहयोग नहीं था, अचानक नहीं था, आयोजित था, कुदरती नहीं, कॉन्स्पिरेसी थी, स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। कांग्रेस आज एक्सपोज हो चुकी है ये बात। कुछ लोगों को इंटरव्यू लिए थे आफ्टर द इंसिडेंट, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, वो तो खैर जांच का प्रश्न है। हाँ,
जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी आई है वो जानकारी आज हमने रखी है, वो बड़ी ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि इसमें पंजाब पुलिस के SHO, SSP और जो इंटेलिजेंस के CID के अधिकारी हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेट किया गया उस चैनल के द्वारा, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हमने सारी जानकारी समय रहते 2-3-4 जनवरी को पंजाब की सरकार को देनी थी, पंजाब के खुफिया विभाग को देनी थी, पंजाब पुलिस को देनी थी। देखिए, हमारा पहले से ही राजनीतिक रूप से कांग्रेस इसको स्वीकार करे सच को, और देश से माफी मांगनी चाहिए कि कांग्रेस ऐसे घृणित कार्य में आयोजित प्रायोजित रूप से लगी थी और अब वो एक्सपोज हो गई है। उसको माफी मांगनी चाहिए सोनिया जी को भी, राहुल बाबा को भी, और कांग्रेस के नेताओं को। और उन्होंने ये सीधा सीधा इल्जाम लगाया है कि चन्नी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो एक प्राइवेट सिटीजन यानी कि प्रियंका गांधी को क्या ब्रीफिंग कर रहे थे आफ्टर द व्हाट हैपेंड ऑन प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच। आपका इसके लिए क्या कहना है? बिल्कुल, ये संविधान कानून के खिलाफ है कि कोई भी, जैसे चन्नी साहब कांग्रेस के नेताओं को ब्रीफिंग कर रहे थे, वो ब्रीफिंग कर रहे थे ऐसे व्यक्ति को जो संविधान की किसी कुर्सी पर नहीं, जिनको एक मुख्यमंत्री रहते उनको ब्रीफ करने के, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट और ये सारी जितनी रिपोर्ट है या तो सुरक्षा एजेंसी के पास होती है या फिर सरकार के पास होती है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है। ये कह के उन्होंने संविधान में जो उन्होंने शपथ ली है उस शपथ विधि का भी उल्लंघन किया है।